दो, मतलब ये फ्रीक्वेंसी किसमें ज्यादा है, अगर किसी ने बता दिया तो उसके अगले साल की जब फिजिक्स की किताब है वो कितने रुपए की मैं लूंगा, या तो तरुण सर से दिलाऊंगा नहीं तो बात से बैठे रोमन है तो मैं दूंगा। हाँ बोले मैं बात कर दूं। ओके आंसर द क्वेश्चन छोटे वाले आप कितने ज्यादा सहमत है इससे, सब सहमत है दीदी, आप बच्चे विद्यार्थियों के बच्चे भी हैं बेटा बताइए कोई देखिए ये एयर फोरम है, इससे पहले हम इस बात पे बोलते हैं इसमें आंसर पाने से पहले हम दूसरी चीज पे जाते हैं फिर मैं इसमें लौट के आऊंगा वापस। अवार्ड वाली स्कीम नहीं है लेकिन आंसर के लिए है, वो अवार्ड पर चला गया था आपका, उसका आंसर आप इससे निकाल सकते हैं। लिसन द पिच ऑफ साउंड, वी हैव टू ट्यूब्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर, अलग अलग डायमीटर के दो ट्यूब में, ग्यारहवीं का लास्ट चैप्टर है वेव मोशन पढ़ रहे पढ़ाओ आप सबने वेव के बारे में, इसमें अरे वो स्टैंडिंग वेव्स बनती है फर्स्ट ओवर टॉन इंटेंसिटी ऑल द फ्रीक्वेंसी सेम और डिफरेंट की ये आपने घर में ऑब्जर्व किया हुआ है, रोज सुबह आपकी मदर ये प्रैक्टिकल करती है, रोज सुबह आपकी मदर प्रैक्टिस करती है, आप दूसरा नहीं समझे मैं दूसरे के बोल रहा हूँ, जब मटके में पानी भरती है मटके में जो पूरा एयर कॉलम पूरा जब पानी मटका खाली होता है उस समय जब पानी उसमें गिरता है तो उसकी आवाज अलग आती है, जब इसे एयर कॉलम की ज्यादा जब मटके में पानी भरता जाता है लेवल बढ़ता जाता है तो जब गला भरने आता है उसका तो उस समय अलग से टोन आती है, द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज चेंजिंग, द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज चेंजिंग देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है एन टू इज इक्वल टू बी अपॉन लेमडा, एन इज इक्वल टू बी अपॉन लेमडा, क्योंकि लेमडा या लेंथ उसकी चेंज हो रही है जिसकी वजह से यहां पे आ रहा है। अब आप मुझे बताइए इसी प्रैक्टिकली के बारे में, फिर बताइए क्या इसमें जो हवा भरी हुई इसकी लेंथ डिफरेंट थी क्या, बड़े से बजाया छोटे से बजाया तो क्या इसमें हवा की लंबाई डिफरेंट रही, सेम है ये सेम है, तो आप बच्चे ध्यान रखें इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों ही केस में क्या थी सेम थी, दिस वॉज इंटेंसिटी विच वॉज डिफरेंट, कितनी तीव्रता थी गणित ध्वनि की जो अलग थी फ्रीक्वेंसी, आपका मिसकंसेप्शन था कि इसके अंदर जो आवृत्ति है जिसको आप कहते हैं।